तो भाई सांप देखो अचानक से कितना बड़ा वाला सांप देखने को मिला है, बिल्कुल टिन के अंदर। ओ भाई बहुत ठुल यार, ओ भाई सांप बहुत ठुल सांप है यार। ओ भाई ये दी होने ला है अरे छाया हुआ आपको देखने के लिए इतने लोग आ गए इतने जल्दी। रिंगा है आज पूरा दिन ज्योति ने मुझे बहुत परेशान किया है। क्या हुआ? वीडियो बना लाऊं तेला? आई हाय 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 गुस्सा हो रही है गुस्सा। तो भाई आज ज्योति पूरे दिन मेरे जिम्मे डाली थी। हेलो दगड़ियो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग पैलाग, अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल में मैं वीरूर थवाल देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादियों में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो यार दोस्तों आज के व्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है बिल्कुल भाई अर्ली मॉर्निंग से, बोले तो अभी मॉर्निंग के बजे हैं 6 और आज हम थोड़ा सा टहलने के लिए आए हुए थे पुष्कर दाई, महेश दाई और मैं। ओ गिरगांव तक घूमने के लिए आए थे थोड़ा बहुत टहलने के लिए, क्योंकि भाई बॉडी में बहुत ज़्यादा मोटापा हो रहा है ना, इसे थोड़ा सा फैट भी कम करना ज़रूरी है। तो यार दोस्तों सुबह सुबह का माहौल है, हल्की फुल्की छीटा छाटी भी हो रही है, तो इसी खूबसूरत से मौसम में भैया आज के व्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो यार दोस्तों आज क्या रहता है दिन भर मुझे भी नहीं पता और आपको तो पता चली जाएगा आने वाले ब्लॉग पे देखते देखते। और कुछ इस तरीके का नज़ारा है भाई, होली बाग भी सामने से आ ही रहा है। तो चलो अब यहाँ से घर की ओर चलते हैं। चलो पुष्कर दाई, चलो महेश दाई। आज बिरथी वाटरफॉल का नज़ारा देख लो भाई सुबह सुबह का, कितना मस्त लग रहा है। तो इस खूबसूरत से नज़ारे में हम भैया अभी पुल पे पहुंचे हैं और पुल से भाई जबरदस्त वाला माहौल है और बिरथी वाटरफॉल का शावर देखो भाई यहाँ तक पहुँच रहा है। तो अभी हम चल रहे हैं घर की ओर और पहाड़ देखो भाई जबरदस्त रफ्फा रौला में और काफी खूबसूरत सा नजारा। तो भाई अभी बजे हैं मॉर्निंग के 10 और भैया काफी जबरदस्त मौसम हो रखा है, जो रिमझिम बारिश आ रही थी ना वो सिर्फ गिरगांव में ही आ रही थी, हमारे घर में तो बिल्कुल पैक्ट सूखा पड़ा था। और काफी खूबसूरत सा मौसम हो रखा है और आसमान भाई आज भी पूरे काले बादलों से बिल्कुल लैस है। और इसी के साथ साथ अगर घर की बात करूँ ना तो ये अपना घर है और गितुल का काम चल रहा है यहाँ पे फूलों में मिट्टी भरने का, और पिताजी ने पकड़ रखा है वहाँ पे ज्योति महारानी को। और घर के नज़ारे की बात करें तो खेतों की बात करें ना तो अब मक्के भी लगने स्टार्ट हो गए हैं, थोड़े दिनों में इसमें मक्के उग जाएंगे। और ये अपने हैं अंगूर की बेल, अब भैया इसमें अंगूर भी पकने लग गए हैं भाई, ये देखो ये अभी कच्चे हैं, मतलब अभी पक जाएंगे, एक दो दिन में पक जाएंगे। है क्या हो गया? मार खनी गए यार, मिट्टी से जुड़े लोग मिट्टी से नहीं डरते भाई। क्यों भाई ये फेरा ना नया दिल्ली साल में तो एक बार नहाते है, उसमें भी हीरो बनती है यार। एक बार और बोलो, साल में तो एक बार नहाती है। बोल जाए एक बार और, ले ले बोल जाए एक बार ले। कल्लूदा और पिताजी और ज्योति यहाँ पे है, मस्त करके खेल ले ज्योति ज्योति ज्योति। हेलो गुणी, वाह हाय। अच्छा तो जो गमले अभी गमलों में अभी मिट्टी भरा ना उसमें फूल लगा दिए हैं, और गीता तीसरे गमले को भी रिपेयर कर रही है जिसमें भाई टूटा फूटा बाल्टी का बनाया था, सवास सवास लगे रहे। अभी है दिन का समय और थोड़ा सा मौसम भाई क्लियर क्रिस्टल हो चुका है और धूप देवता भी आधे आसमान में है। और जब धूप आती है ना और हल्के फुल्के बादल दिखते हैं, हल्का फुल्का नीला आसमान दिखता है ना, तो ये नज़ारा भाई बहुत खूबसूरत लगता है यार। और ठीक सामने अपना हिल स्टेशन बिरथी वाटरफॉल, अपने गांव की आन बान और शान, तो काफ़ी ज़बरदस्त मौसम हो रखा है खूबसूरत सा, ये देखो। और ये रही भैया अपनी गांव की हवेली, तो ये अपना छोटा सा आशियाना है और कुछ ऐसा माहौल है भाई, चारों तरफ खूबसूरत हरियाली। तो अभी दिन का समय है और अभी गीता और मैं मिलके बना रहे हैं दाल चावल, और गीता दाल के लिए ना भाई मसाला तैयार करिए जो कि बिल्कुल हमारे होममेड मसाले रहते हैं। और ये देखो काफी जबरदस्त पेस्ट बना दिया गीतिल ने, सवास गीतिल तू कुछ करेगी यार बड़ी होके ना। और कुकर में रखा है हमने भात, इसमें गला रखी है दाल और बनने वाले भैया आज आलू के पत्तियों की हरी सब्जी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। क्या ये आधी बचा के रखना ना आलू के पत्ते के लिए?
ठीक है, और कुछ? दाल में सब मत डालना। ओके साहब। तो भाई गीता का सख्त आदेश आ रखा है, मसाला सिर्फ दाल में नहीं पड़ना चाहिए, सब्जी में पड़ना चाहिए। करके ओके साहब, कर देंगे साहब। ओके साहब, और कुछ? और कुछ चाहिए? तो भाई गांव के बच्चे देखो सब तालाब में मस्त नहा रहे हैं, कोई यहाँ है और दो चार इधर नहा रहे हैं, ये देखो फुल मजे भाई। तो गांव का नेचुरल स्विमिंग पूल है अपना। एक बात ये है ना, हमारे गांव के हर लड़के को तैरना क्यों आता है पता है? इन कारणों से। ये देखो, ये इन कारणों से भाई सभी गांव वालों को तैरना आता है हमारे गांव के। तो भाई सांप देखो, अचानक से कितना बड़ा वाला सांप देखने को मिला है, बिल्कुल टिन के अंदर। ओ भाई बहुत ठुलू यार ये। ओ भाई सांप बहुत ठुल सांप हो यार। क्या ये कम से कम 3-4 फीट सांप हो यार। ओ भाई ये दुई होने ला। अरे छाया हुआ भाई, बहुत ठूल छाप यार। आपको देखने के लिए इतने लोग आ गए इतने जल्दी। बोला सिंह है भाई, बहुत ही खतरनाक सांप है यार। क्या कौन आए थे? तो अभी चल रहा है सांप भगाओ अभियान, ऊपर था काफी खतरनाक मोटा वाला सांप और सभी लोग सांप भगाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई यहाँ से घुस रहे अंदर, कोई कहीं से। तो भाई लेकिन सांप बहुत ही भयंकर जबरदस्त वाला था यार, बाप रे इतना मोटा सांप मैंने पहली बार देखा इस एरिया पे, बिल्कुल पूरा काले कलर का है। कहाँ होला तो ऐसे छियो की छी यार, भयंकर सांप दिख रहे भाई आजकल गाँव में। किसकी वजह से मसाया रे? अच्छा अरे सांप ले कथप गई यार, सांप और जुएक ले कहाँ ये जगरू नने। सांप बाबा खगाओ अभियान के बाद ना अभी मैं आ गया हूँ घर पे और मेरी बिट्टो रानी सो रही है। ये देखो गीता मुझे इसको सुला के सुलाने का आदेश दे के अपना काम कर रही है, और जैसे ही पुटकी मेरे गोद में आई ना मस्त सो गई। मैं जोर से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उठ जाएगी महारानी, ठीक है? तो मैं इसको फटाफट सुला लेता हूँ एक बार। आज पूरा दिन ज्योति ने मुझे बहुत परेशान किया है, क्या हुआ? वीडियो बना लाऊं तेला? गुस्सा हो रही है गुस्सा। तो भाई आज ज्योति पूरे दिन मेरे जिम्मे डाली थी ना ज्योति। ओ तो ज्योति ना कुछ टाइम सो रही है, 10 मिनट सो रही है फिर उठ जा रही है, 10 मिनट सो रही है फिर उठ जा रही है। एक बार तो भूकंप बहुत धीर 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 करके ये उठ गई ना, भूकंप हुआ था ना बेटा, कैसा हुआ था? झूला जैसा हुआ था ना, ना फिर वही तो अपनी प्याली बित्तो लानी। हे आहा, और कुछ कहना है? नहीं कहना है? अच्छा, हेलो गाइस कैसे हो गाइस। तो अभी है शाम का समय और ज्योति को दे दिया है ज्योति की मम्मी को, और थोड़ा बहुत अब मैं दुकान की ओर जाता हूँ, थोड़ा घूमने जाता हूँ टहलने के लिए। और शाम का समय है तो काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा हो रखा है, और जो सांप देखा ना भाई वो यहीं पे देखा था, और उस टाइम से चाची ने यहाँ पे बढ़िया करके धुआं ही धुआं कर रखा है ताकि सांप यहाँ से चला जाए करके। तो अब हम भी चलते हैं भैया आप दुकान की ओर, जबरदस्त करके थोड़ा घूमते हैं और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हैं। और यहाँ से अगर आपको गाँव की खूबसूरती दिखाऊँ तो कुछ ऐसा है। तो भाई दुकान से मैं आ गया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ भैया मट्ठा लेने के लिए गुड़िया लोगों के यहाँ। ये रही मेरी बाल्टी
और शाम का समय है तो भाई कुछ नजारा इस तरीके से है। और फटाफट से मैं छाई लेके आता हूँ। आलो हाई भाई, मैं जानू बाय। तो ये रही बाल्टी, अब फटाफट से जाता हूँ मैं। टिक टिका गुरिया को संपना दे। ओ बच्चा बाटी, कहाँ हो, क्या कर रहे हो साहब? आटा गूंद रहे हो, छाई है, घुमा रहे हैं। ठीक है, मैं बाल्टी देके आता हूँ फिर। हाँ ठीक है साहब। तो फाइनली मैं छाई लेके घर आ गया और पिताजी यहाँ पे सब्जी के लिए मसाला बना रहे हैं। वाह गुड। और भैया इस खूबसूरत शाम के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलता है एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर देना और यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई। बाय बाय दोस्तों।